क्लास नाउ ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 8 मदर टेरेसा चैप्टर 8 आपकी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज वोकेबुलरी. वोकेबुलरी हमने चैप्टर के साथ भी की थी. स्टिल वी विल क्विकली रिवाइज द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज नन. नन इज वुमेन लिविंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द सर्विस ऑफ गॉड. जो औरत लोगों से दूर और गॉड की सर्विस में, गॉड की सेवा में लग जाती है, उनको क्या कहते हैं? नन. हिंदी में सन्यासी. सेकेंड इज वास्ट. वास्ट मीन्स बिग, मतलब बड़ा. थर्ड इज लेप्रसी. लेप्रसी अ सॉर्ट ऑफ स्किन डिजीज विच कॉजेज द लॉस ऑफ फिंगर्स एंड टोज. लेप्रसी क्या है? एक तरह की स्किन डिजीज होती है जिसमें हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां खराब हो जाती हैं. ठीक है. अबेंडेंट मतलब गेव अप, जिनको छोड़ दिया जाता है या त्याग दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अबेंडेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज मदर टेरेसा बॉर्न. मदर टेरेसा कब और कहाँ उनका जन्म हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन August 27, 1910 इन यूगोस्लाविया. मदर टेरेसा का जन्म August 27, 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था. सेकेंड क्वेश्चन इज वट वॉज हर रियल नेम. मदर टेरेसा का रियल नेम क्या था? हर रियल नेम वॉज एंजेस गोंसा बोजाश्यू. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज When did she start her own society of the missionaries of charity? जो मदर टेरेसा थी उन्होंने अपना खुद का जो सोसाइटी थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो कब स्टार्ट की थी? इन 1950 में शी स्टार्टेड हर ओन सोसाइटी ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी. उन्होंने 1950 में अपनी खुद की सोसाइटी मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट की थी. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन नेम द अवार्ड्स वॉन बाय हर. मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे तो आपको उन अवार्ड्स के नाम आंसर में लिखने हैं. मदर टेरेसा हैड रिसीव्ड पद्मश्री, द मैगसेसे अवार्ड, द पीस प्राइज, द नेहरू अवार्ड, नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न अवार्ड. ठीक है. फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज When did Mother Teresa die? Mother Teresa की मृत्यु कब हुई थी? She died on September 5, 1997 in Kolkata. उनकी मृत्यु September 5, 1997 को कोलकाता में हुई. ठीक है. Now question 2. Use the following words in your own sentences. यहाँ पर आपको कुछ words दिए हुए हैं जैसे नन, knowledge, acquire, award, leprosy, abandoned. इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. ये आज का आपका होमवर्क है. ये आपको खुद से सेंटेंस फॉर्म करना है. ठीक है. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, लाइक सिक, मैनकाइंड, नोबल, डाइंग, रिवॉर्ड, नन एंड वर्क्स. यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स एंड कम्प्लीट द सेंटेंस. You have to fill these words in the blanks. First is, since her childhood, she wanted to become a dash. बचपन से ही वो क्या बनना चाहती थी? Nun. So, यहाँ पर आप लिखिए nun. वो बचपन से ही nun यानी सन्यासी बनना चाहती थी. Second is, Mother Teresa Mother started working for the dash and dash people. Mother started working for the sick and dying people. ठीक है. सो फर्स्ट ब्लैंक में लिखिए आप सिख, SICK सिख, एंड सेकेंड ब्लैंक में लिखिए डाइंग. नाउ थर्ड, हर मिशन वॉज बेस्ड ऑन लव फॉर डैश. उनका मिशन किस पर बेस्ड था? लव फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए प्रेम पर उनका मिशन बेस्ड था. ठीक है. सो आप यहाँ पर लिखिए मैनकाइंड.
नाउ फोर्थ इज मदर टेरेसा हैड रिसीव्ड मैनी डैश फॉर हर डैश वर्क. मदर टेरेसा हैड रिसीव्ड मैनी रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स फॉर हर नोबल वर्क. ठीक है, नोबल मतलब महान काम के लिए उनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले थे. सो यहाँ पर आप लिखिए रिवॉर्ड एंड सेकेंड ब्लैंक में लिखिए नोबल. नाउ लास्ट वन इज द वर्ल्ड विल द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट हर ग्रेट डैश. वर्ल्ड उनके ग्रेट डैश को नहीं भूलेगा. डैश में आप लिखिए वर्क्स, उनके ग्रेट वर्क्स को नहीं भूलेगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू लैंग्वेज पार्ट. राइट द ऑपोजिट्स. फर्स्ट वर्ड इज रियल. रियल के आगे आप लिखिए अनरियल. ऑपोजिट ऑफ रियल इज अनरियल. सेकेंड इज बॉर्न. बॉर्न का ऑपोजिट होता है अनबॉर्न. बॉर्न मतलब जन्मा एंड अनबॉर्न मतलब जो नहीं जन्मा हो. ठीक है, सिक. थर्ड वर्ड इज सिक. सिक का ऑपोजिट होता है हेल्दी या फिर वेल. ठीक है, सिक का मतलब बीमार और हेल्दी मतलब स्वस्थ. फोर्थ इज लव. लव का ऑपोजिट है हेट. फिफ्थ इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट का ऑपोजिट है अनइम्पोर्टेंट. सिक्स्थ इज फॉगेट. फॉगेट मीन्स भूल जाना या भूलना. भूलना फॉगेट का ऑपोजिट है रिमेम्बर, याद करना. ठीक है, सो राइट रिमेम्बर. सेवेंथ इज बिग. बिग का ऑपोजिट स्मॉल. एट्थ इज गिव. गिव का ऑपोजिट टेक. गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना. अप. नाइन्थ इज अप. अप का ऑपोजिट डाउन. टेंथ इज बिगिन. बिगिन मीन्स स्टार्ट करना या शुरू करना. बिगिन का ऑपोजिट है सीज मतलब एंड करना, बंद करना या खत्म करना. ठीक है, सीज. सी ई ए एस ई सीज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. मैच द होमोफोन्स. होमोफोन्स मीन्स जिनकी स्पेलिंग अलग होती है बट साउंड सेम होता है, मीनिंग अलग होती है. जिन वर्ड्स की मीनिंग अलग होती है बट साउंड उनका सेम होता है, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन्स. ठीक है, सो आपको होमोफोन्स को मैच करना है. सो फर्स्ट इज ईयर. ईयर का सेम साउंड बाय कॉट एट ईयर पीस. ईयर का सेम साउंड आ रहा है. सो मैच दिस ईयर विद दिस. ये वाला ईयर है मतलब साल. ये ईयर मीन्स कान. सो मैच ईयर विद दिस ईयर. ठीक है, साउंड दोनों का सेम है ईयर. सेकेंड इज पीस. ये वाले पीस का मीन्स होता है शांति. आप इस पीस को मिलाइए इससे. सेकेंड पीस. ये वाले पीस का मतलब होता है टुकड़ा. ठीक है, दोनों का साउंड सेम है पीस, बस स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस है. नाउ एट. एट को आप मैच कीजिए एट से. एट, ये वाला एट मीन्स आठ और ये वाला एट मीन्स खाया या खाना खाया. तो उसके लिए खाने के लिए एट यूज करते हैं. ठीक है, पास्ट में. नाउ नेक्स्ट इज कॉट. ये वाले कॉट का मीन्स होता है चारपाई. ठीक है, इसको आप मैच कीजिए कॉट से मतलब पकड़ना. सो मैच दिस विद दिस. नाउ लास्ट वन इज बाय. ये वाला बाय का मीन्स होता है खरीदना. सो मैच दिस बाय विद दिस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अबव वर्ड्स. अब आपको ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट वन डैश. वह यहाँ पर पिछले एक साल से काम कर रही है. सो यहाँ पर ये वाला ईयर यूज होगा. सो आप यहाँ पर लिखिए वाई ई ए आर ईयर. शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट वन ईयर. सेकेंड इज प्लीज मे आई हैव अ डैश ऑफ केक. पीस ऑफ केक.
ये वाला पीस आपको यहाँ पर लिखना है PIECE पीस, ये वाले पीस का मीन्स होता है टुकड़ा। प्लीज़ मे आई हैव अ पीस ऑफ केक। नाउ थर्ड इज द मंकी डैश ऑल द ब्रेड। द मंकी एट ऑल द ब्रेड, मंकी सारी ब्रेड खा गया। फोर्थ इज लेट अस गो एंड डैश सम फूड, बाय सम फूड। ठीक है, सो आप ये वाला बाय यहाँ पर लिखेंगे, लेट अस गो एंड बाय सम फूड। फिफ्थ इज द पुलिसमैन डैश द थीफ, द पुलिसमैन कॉट पकड़ना, कॉट द थीफ। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। स्टडी दीज सेंटेंसेस। द बुक इज माइन, इट इज ऑन द चेयर। द बुक That is on the chair is mine. I saw the man, he was riding on the horse. I saw the man who was riding on the horse. अब यहाँ पर दो sentences थे, the book is mine and it is on the chair. दोनों को combine करके join करके एक single sentence बनाया that use करके। ठीक है, ऐसे ही I saw the man, he was riding on the horse. ये दो sentences को who use करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया। नाउ आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको हु हुम विच दैट हुज हुम यूज़ करके इन सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस इज मोनिका, हर आंट इज इल। यहाँ पर आप यूज करेंगे हुज, WHOSE हुज। दिस इज मोनिका हुज आंट इज इल। नेक्स्ट इज राहुल वर्क्स हार्ड, ही विल पास इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे राहुल वर्क्स हार्ड एंड विल पास इन द एग्जामिनेशन। थर्ड इज ही हैज ब्रोकन द वास, आई बॉट इट यस्टरडे। ही हैज ब्रोकन द वास, I bought it yesterday. यहाँ पर आप यूज करेंगे that. He has broken the vase that I bought yesterday. Now she has given me a story book. It is very interesting. यहाँ पर आप यूज करेंगे which. She has given me a story book which is very interesting. Now fifth and last one is the boy was badly injured, he met with an accident. यहाँ पर आप यूज करेंगे who, the boy was badly injured who met with an accident.